वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग किक्सर नाम का जो एक पीएसपी स्किप है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो किक्सर मल्टी वेंडर ऑन डिमांड सर्विस मार्केट प्लेस एंड सर्विस फाइंडर ये जो स्किप है इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसका जो सेल है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 500 प्लस हो चुका है इसका सेल। और इसका जो रेगुलर लाइसेंस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना इसका रेगुलर लाइसेंस है और इसका एक्सटर्नल लाइसेंस भी है। और इसका जो लाइव प्रीव्यू है वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में क्लिक करके इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। और यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या फीचर इसके अंदर मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको देख सकते हो। ठीक है, क्या फीचर इसके अंदर है और कौन सा वाला यहाँ पर आप लोग पेमेंट मेथड है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पेमेंट मेथड है, बहुत सारा पेमेंट मेथड इसके अंदर है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। इस तरह का वेबसाइट आप लोग अगर क्रिएट करना चाहते हो तो इस स्क्रिप्ट को परचेस करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो डेमो है वो यहाँ पर ब्राउज फ्रंटेंड में क्लिक करते हैं और इस तरह का डेमो है, तो इस डेमो को हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पर बहुत सारा डेमो आपको मिलेगा। जो भी डेमो आपको अच्छा लगा वो डेमो आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इस डेमो को ओपन किए हैं और यहाँ पर देख सकते हो सेटिस्फाइड कस्टमर कितना, यहाँ पर पोस्ट जॉब, यहाँ पर फाइंड सर्विस, इस तरह का है। तो देख सकते हो इस तरह का वेबसाइट है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फीचर सर्विस क्या क्या है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फीचर सर्विस इस तरह का है। तो हम लोग इस सर्विस को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ये जो सर्विस है इसको आप लोग बुक वगैरह कर सकते हो, बुक अपॉइंटमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कट करते हैं और यहाँ पर देख सकते हो दूसरा डेमो हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है और इसका डेमो इस तरह का है। ठीक है, इसका डेमो इस तरह का है, जो डेमो आपको अच्छा लगे वो डेमो आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये जो स्किप है इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने से पहले इसको परचेस करना होगा, परचेस करने के बाद इसको डाउनलोड करना होगा। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये जो फाइल है इसको हम लोग करेंगे अनजिप, तो अनजिप करने के लिए राइट बटन क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक कीजिए, ओके में क्लिक कीजिए, तो फाइल अनजिप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट फाइल मिलेगा, यहाँ पर कैसे इसको इंस्टॉल करते हो वही डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये जो फाइल है ये जिप फाइल है इसको हम लोग अपलोड करेंगे हमारे सर्वर के अंदर। तो चलिए इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं हमारे सर्वर के अंदर, इसलिए हम लोग आ जाते हैं हमारे सर्वर के अंदर यानी कि हमारे सी पैनल के अंदर और यहाँ पर हम लोग जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर। ठीक है, जैसे ही हम लोग फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे ये फाइल मैनेजर ओपन होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे डेमो के अंदर यानी कि हमारा वेबसाइट के अंदर, हमारे डोमेन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अपलोड में क्लिक करते हैं, सिलेक्ट फाइल में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा जो डोमेन सॉरी हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सिलेक्ट कर दिया है, ये जो फाइल है ये अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं इसको अपलोड होने तक, उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको हम लोग देखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर गो बैक में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये हमारा फाइल है, तो इसको हम लोग करेंगे अनजिप। तो अनजिप करने के लिए यहाँ पर राइट बटन क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल अनजिप हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो चुका है, अभी अनजिप नहीं हुआ है, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, यहाँ पर अभी अनजिप हो चुका है, तो इसको क्लोज करते हैं, तो ये हमारा फाइल यहाँ पर ही है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हमारा जो डोमेन है इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर ओपन करते हैं हमारे डोमेन को, ये क्या हो गया, इसको हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पर। ओके, ये हमारा डोमेन ओपन हो चुका है और यहाँ पर गो इंस्टॉलेशन विजेट यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर आ चुका है। इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह है वो हम लोग को आई एग्री में क्लिक करना और नेक्स्ट में क्लिक करना और यहाँ पर सारा सर्वर का रिक्वायरमेंट है इसको नेक्स्ट में क्लिक करना और यहाँ पर देख सकते हो परमिशन देने का ऑप्शन है, ये सारा परमिशन ऑलरेडी है, तो हम लोग नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा डाटाबेस भी अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपका जो डाटाबेस वगैरह है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर डाटाबेस इन्फॉर्मेशन एप्स यूआरएल यहाँ पर ऑलरेडी है, तो डाटाबेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करने के लिए आपको डाटाबेस क्रिएट करना होगा। तो चलिए डाटाबेस को क्रिएट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं हमारा सिपेल के अंदर
और यहाँ पर हम लोग डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आपको डाटाबेस नाम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर डाटाबेस ऑप्शन के अंदर माई एसक्यूएल डाटाबेस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर माई एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारा डाटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू डाटाबेस, यहाँ पर हम लोग डाटाबेस का नाम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने यूनिक वेब स्कूल नाम दे देता हूँ, ठीक है, यूनिक वेब स्कूल, इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये हमारा डाटाबेस का नेम है, इसको हम लोग क्रिएट डाटाबेस में क्लिक करते हैं और हमारा जो डाटाबेस है उसको क्रिएट कर लेते हैं। देख सकते हो हमारा जो डाटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग गो बैक में जाएंगे। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग ये जो डाटाबेस है इसका यूज़र क्रिएट करना होगा, तो इसलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडेड न्यू यूज़र। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम यहाँ पर डाल देते हैं। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, तो इस तरह का नाम मैं देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड के अंदर आपको पासवर्ड जेनरेट करना होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं जेनरेट पासवर्ड में क्लिक करता हूँ। और ये जो पासवर्ड है इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं और ये जो पासवर्ड है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग इसको हमारा जो नोटपैड है इसके अंदर इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हमारा नोटपैड के अंदर सेव कर लिया है और यहाँ पर टिक मार देना है, आई हैव कॉपी दिस पासवर्ड, ओके। उसके बाद यहाँ पर यूज़ पासवर्ड में क्लिक करना और यहाँ पर क्रिएट यूज़र में क्लिक करना, तो ये जो यूज़र है डाटाबेस के यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डाटाबेस है वो भी हम लोग क्रिएट कर लिया, डाटाबेस यूज़र भी क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग करेंगे डाटाबेस और डाटाबेस यूज़र को कनेक्ट, ठीक है, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडेड यूज़र टू डाटाबेस, और यहाँ पर आपका यूज़र नेम देना है और यहाँ पर आपका डाटाबेस नेम देना है और ऐड में क्लिक करना, तो आपका जो यूज़र और डाटाबेस दोनों कनेक्ट हो जाएगा। तो फुल्ली कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑल में क्लिक करना और यहाँ पर मेक चेंज में क्लिक करना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेव हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये यूज़र और डाटाबेस को कॉपी कर लाना है और यहाँ पर आपका जो नोटपैड है इसके अंदर सेव कर लेना है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर सेव कर लिया, हमारा डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर डाटाबेस यूज़र, यहाँ पर डाटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो यहाँ पर डाल दीजिए लोकल होस्ट। उसके बाद डाटाबेस यूज़र के अंदर हम लोग यहाँ पर डाटाबेस यूज़र दे देते हैं, ये हमारा डाटाबेस यूज़र है, यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद डाटाबेस नेम, ये हमारा डाटाबेस नेम है, इसको डालते हैं। उसके बाद डाटाबेस पासवर्ड, ठीक है, तो ये हमारा डाटाबेस पासवर्ड, इसको डाल देते हैं, ओके। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद एडमिन लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका एडमिन का नाम देना है, तो यहाँ पर मैंने एडमिन का नाम देता हूँ, ओके। यहाँ पर मैंने एडमिन का नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर सुपर एडमिन यूआरएल, तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं हमारा जो भी यहाँ पर यूज़र नेम होगा एडमिन के लिए, तो हम लोग यहाँ पर डाल दिए। अपने हिसाब से आप लोग यूज़र नेम डाल दीजिए। उसके बाद पासवर्ड में हम लोग यही पासवर्ड को कॉपी करके देते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, तो इसको देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस देना है, तो सारा कुछ यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर चेक डाटाबेस कनेक्शन में क्लिक करते हैं, तो ये चेक करेगा, ओके, डाटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, अभी ये इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिकली, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डाटाबेस इनपुट सक्सेसफुल, सिस्टम इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, एडमिन अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, इंस्टॉल सक्सेसफुल। तो हमारा जो इंस्टॉल है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम लोग विजिट वेबसाइट में क्लिक करके हमारा जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा वेबसाइट, यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ चुका है, इस तरह का हमारा वेबसाइट है, ये यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह का अगर आप लोगों को वेबसाइट क्रिएट करना है, इस स्क्रिप्ट को प्रोसेस करके आप लोग इस तरह का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्किल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।